बच्चों, मैंने आपको जोड़ के बारे में बताया था और उससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण भी समझाए थे। आज हम जोड़ से रिलेटेड, जोड़ से संबंधित एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक शीट पर हाथ काट लेने हैं। देखो, मैंने ये हाथ की शेप बना करके और उसको काट लिया है। ऐसे आपको चार हाथ काट लेने हैं और इनकी उंगलियों को छोड़ करके सिर्फ आपको इतनी जगह पेस्ट करनी है, इतनी जगह आप फेविकोल की मदद से चिपका लेना है। चारों हाथों में आपको यही करना है। फिर आपको नीचे दिए हुए प्रश्न सॉल्व करने होंगे। पहले प्रश्न में आप जैसे देख रहे हैं कि 6+3 मतलब आपको 6 में 3 और जोड़ना है, तो हम इन फिंगर्स का यूज करेंगे। आपने जैसे देखो, पहले में 6 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी के 4 को हम बंद कर देंगे। फिर ये अब साइन आ गया प्लस का, तो ये रहा आपका प्लस का साइन, जोड़ का साइन। फिर है 3, 1, 2, 3, और फिर हम बाकी की उंगलियों को बंद कर देंगे इस प्रकार। तो बच्चों, अब 6+3, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे हमारा जवाब क्या आ गया, 9। इस तरह से आप बाकी के जोड़ करके भी मुझे भेजें। अब हम घटाव के बारे में बात करेंगे। घटाव की एक्टिविटी के लिए आपको पहले एक चौखाना बना करके उसमें 20 तक की गिनतियां लिख लेनी है, और फिर आपको छोटे छोटे रंगीन पेपर या आप छोटे छोटे पत्थर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए रंगीन कागजों का यूज किया है। पहले प्रश्न में अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि 9-5, 9 में से आपको 5 घटाने हैं, तो हम ये पेपर लेंगे, छोटे छोटे कागज, और हम 9 तक गिनती तक इनको रखेंगे। 8 और 9, देखो मैंने 9 तक ये छोटे छोटे पेपर रख लिए। अब इसमें से हमको कितने माइनस करने हैं, कितने घटाने हैं, 5, तो हम 1, 2, 3, 4, 5, हमने ये 5 पेपर वापस ले लिए। अब हमें कितने बच गए, 1, 2, 3, 4। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ 4 पर ये आखिरी पेपर रखा हुआ है, तो ऐसे हमारा जवाब क्या आया, 4। ऐसे आपको सारी एक्सरसाइज करनी है, सारी एक्टिविटी के सारे प्रश्न करने हैं। धन्यवाद।